थैंक यू सुखिंदर जी। सरयाल सतिकार, सतिकार जी। मेरा नाम हरिंदर है, मैं इस बिजनेस के साथ सेमी डायरेक्ट के साथ फ्रॉम डे वन जुड़ा हुआ और इस बिजनेस को शुरू से देख रहा हूं ये क्या है। सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट। 12 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हो चुके हैं। बारह में से सबसे पहले ऑस्टियोथ्रोन, हम हेल्थ के सराउंडिंग अभी घूम रहे हैं। हेल्थ किस किस को प्यारी है इस रूम में जो भी बैठे, एवरीबॉडी? अगर हेल्थ नहीं हो तो चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। हेल्थ इज मस्ट। समहाउ मेरे को पिछले महीने थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, आई एम ऑन बेड फ्रॉम लास्ट वन मंथ, तो आंखें खुल गई। ये जिंदगी में दूसरी बार है जब मैं बेड पे पड़ा हूं। करीबन 40 साल की उम्र तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एग्री? यस। 40 के बाद ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, फिर नेचर, गॉड, जो भी आप कह लीजिए, वो आपको गिफ्ट्स देना शुरू करते हैं। दे भैया ब्लड प्रेशर, दे भैया डायबिटीज, दे भैया और क्या क्या होता है, गोटे दुखने शुरू हो जाते हैं, ज्वाइंट्स, सिर दर्द, आंखें जानी शुरू हो गई। 40 के बाद लेडीज को कैल्शियम की कमी आने लगी, बैके और स्पाइन में प्रॉब्लम आने लगी, सर्वाइकल आने लगा, सब कुछ 40 के बाद शुरू होता है, उससे पहले क्यों नहीं आता? गाड़ी चलाते हैं आप सर, गाड़ी में बहुत सारी चीजें सही होती हैं, लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज का असर कम होता है। ओवरनाइट कभी किसी चीज का असर कम नहीं होता। सो अगर हम हेल्थ में अपने ध्यान दें तो मैं आज आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं। ऑस्टियोथ्रोन, दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर लेडीज। लेडीज को 40 के बाद, रादर आजकल तो 35 के बाद ही बैके या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। आप अभी यंग हैं, आप अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन 35 के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनको ये प्रोडक्ट देना जरूरी है। कैल्शियम की कमी आती है, जिनकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लेडीज में है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है? प्रोन टू फ्रैक्चर, इतने से भी चोट लगी तो फ्रैक्चर हो गया। क्यों होता है? कैल्शियम की कमी आ जाती है। लेडीज में ही कैल्शियम की कमी ज्यादा क्यों आती है? बिकॉज ऑफ कि उनमें जो बॉडी में चेंजेस आती हैं वो 8-10 साल के बाद, उनमें हर 2-4 साल में नई चेंज आती है। जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद बच्चे की बोन्स बनती हैं, तो उसमें कैल्शियम मैक्सिमम हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। कभी दिया ध्यान कभी प्रेग्नेंट लेडी को एक्स्ट्रा कैल्शियम दिया जाए या प्रेग्नेंट लेडी को एक्स्ट्रा वो दिया जाए डीएचए? कभी नहीं प्रभाव करते। ओमेगा 3 वगैरह हम कभी नहीं देते, मोस्ट नीडेड है। मैंने बहुत सी वीडियो स्टडी की हैं जिससे पता लगता है कि उनको ये चीजें क्यों चाहिए, दैट इज द नीड। ये स्पेशली डिजाइन है लेडीज के लिए, प्रिवेंशन में लीजिए, क्या कभी ऑस्टियोप्रोसिस की प्रॉब्लम ना हो। लेडीज की स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आफ्टर 40 हैं उनके लिए ये सोल्यूशन है। स्पिरुलिना, वी विल टॉक लेटर। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना इज अ मल्टी विटामिन। हमारी बॉडी को डेली 100+ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आउट ऑफ दैट बहुत कुछ हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन 46 एसेंशियल है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। वो 46 जो है इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। एक नेचुरल प्लांट है, पानी में होता है, इसको सुखा के ड्राई करके टेबलेट फॉर्म में आपको दे दिया। इट्स अ कंप्लीट फूड, खाली इस प्रोडक्ट को खा के आप जिंदा रह सकते हैं पानी के साथ। इट्स अ वंडर प्रोडक्ट। एस्ट्रोनॉट चाहते हैं ऊपर चांद पे, तो वो यही प्रोडक्ट लेके जाते हैं। वहां रोटियां पका के पराठे पका के कोई नहीं लेके जाता। अगर 3 महीने वहां रखना है तो राशन लेके जाना कितना कॉस्टली पड़ जाएगा आप सोच लीजिए। 1 किलो लेके जाना वहां पे लाखों रुपए का खर्चा। तो उसके बाद
ये ही एक प्रोडक्ट है जिसको लेके जाते हैं और वहां जाके पानी के साथ चलते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है लिवर सपोर्ट। लिवर इज किचन ऑफ अवर बॉडी। अगर हमारा लिवर स्ट्रांग है तो सब कुछ बढ़िया है, अगर लिवर वीक है तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो लिवर को स्ट्रांग कीजिए। सेकेंडली, शर्म मत कीजिएगा, खुल के बताइए विस्की कौन कौन पीता है। कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग अभी कहते हैं नहीं यार क्या जरूरत है बताने की, चल ही रहा है। विस्की पीने वाले का लीवर, विस्की पीते हो तो अपने लीवर को या अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने से पहले एक घंटा पहले लीवर सपोर्ट का एक कैप्सूल खा लीजिए। आपका लीवर बिल्कुल कभी मेलफंक्शनिंग नहीं करेगा, वीक नहीं होगा, प्लस आप सुबह हैंगओवर नहीं होगा। हैंगओवर होता है दारू पीने वाला, बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं विस्की प्रमोट कर रहा हूं कि आप वो जरूर पीजिए, लेकिन अगर आपने जरूर पीनी है तो पहले यह खा लीजिए। दिस इज अ वंडर प्रोडक्ट फॉर दैट। आर्थिक पावर। आज 35-40 साल 45 साल के बाद घुटने में दर्द किस किस के होती है, अक्सर शुरू हो जाती है। कार्टिलेज डैमेज होती है, रूमेटाइड में, आर्थराइटिस में यह प्रोडक्ट काम करता है, कार्टिलेज की रीबिल्डिंग करता है। ग्लाइका केयर। ग्लाइका केयर इज शुगर के लिए है, डायबिटीज के लिए यह प्रोडक्ट है। ये 3 से 6 महीने में आपकी शुगर लेवल को 110 के आसपास मेंटेन करने लगेगा। आप जो भी पिल एलोपैथी की खा रहे हैं उसके साथ साथ इसे शुरू कीजिए और धीरे धीरे ये उसको मेंटेन करने लगेगा, सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके साथ। ओमेगा वाई प्लस, ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 9। जनरली बाजार में आपको ओमेगा 3 मिलेगा, ये ओमेगा 3, 6, 9 का एक कॉम्बिनेशन है जिस रेशो में ह्यूमन बॉडी को चाहिए उस रेशो में है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये प्लांट बेस्ड है, फिश ऑयल नहीं है, प्लांट्स में से लिए हुए एक्सट्रैक्ट है उसका कॉम्बिनेशन है। इट्स गुड फॉर ब्रेन, आईज, प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। 2-3 चीजें ऐसी हैं प्रेगनेंसी में अगर आप लेते हैं तो यू विल फील। आजकल सिजेरियंस ज्यादा होते हैं, डॉक्टर्स तो बड़े इसके लिए, आई प्रॉमिस कि आप स्पिरुलिना अगर फर्स्ट और सेकेंड मंथ से शुरू कर देते हैं तो डिलीवरी शुड बी इन एनी केस नॉर्मल, अंटिल और अनलेस के डॉक्टर की पूरा बात ना हो। तो मैं चैलेंज करता हूं कि डिलीवरी जो है नॉर्मल होगी, लेकिन डॉक्टर की मर्जी कह देते हैं, क्योंकि मैं अपने घर में अपनी बच्ची की नहीं करवा सका, इसका मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर की ज्यादा चलती है, इश्यू बन गया था। सो ये एक अलग टॉपिक है। तो ओमेगा 3 इज गुड फॉर ब्रेन, आईज, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, वेन्स को क्लियर करेगा, आपका हार्ट बीट सही रहेगी, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो गए। फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, इसका नया नाम है टॉक्सी फ्लश। टॉक्सी फ्लश में मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछूंगा, यहां कितने लोग हैं जो कार चलाते हैं, जिनके पास गाड़ी है, कितने हैं जिनके पास बाइक है? आप बाइक की सर्विस करवाते हैं कितने देर के बाद? मंथली। क्यों? उसका इंजन से ठीक ठाक है। इनके लिए तालियां बजा सकते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका इंजन सही रहे, ठीक ठाक चले। आपने अपनी सर्विस करवाई है कभी? नहीं। अब किससे बजवाऊं इनके लिए तालियां? हमारी बॉडी से बेहतरीन मशीनरी कौन सी है इस ब्रह्मांड में? देर इज नो अदर मशीनरी बेटर देन दिस। इस ब्रह्मांड का सबसे बेहतर मशीन ये है, यहीं से नकल मार के आपका बाइक बना है, आपकी कार बनी है। लेकिन क्या अगर आपके पास एक बाइक है, एक मर्सिडीज कार हो और एक मारुति कार हो, सबसे ज्यादा केयर आप किसकी करेंगे? मर्सिडीज की केयर करेंगे। इनके पास जो गॉड ने दी हुई मर्सिडीज है उसकी केयर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है,
इनकी गलती नहीं है, गलती जनरली एक हमारे सिस्टम की है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यहीं बैठे होंगे कुछ डॉक्टर्स, कि जब हम डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं तूने क्या लेना, तू दवाई खा तू ठीक हो जाएगा। हम भी सोचते हैं ठीक है यार मैंने ठीक ही होना, मैंने लेना भी क्या, अगली बार प्रॉब्लम होगी तो मैंने फिर इसी के पास आना। जब इंसान पैदा होता है और जब हम गाड़ी लेके आते हैं, बाइक लेके आए थे महीने के बाद, इनको शायद नहीं मालूम होता अगर वैसे ही बाइक कहीं से ले आते, लेकिन बाइक आई तो इनके हाथ में एक मैनुअल दिया उन्होंने, उसमें लिखा हुआ था कि इतने दिन के बाद इसकी सर्विस करवानी है। लेकिन जब हम पैदा हुए थे कोई मैनुअल नहीं था, था किसी के हाथ में मैनुअल? अगर वो मैनुअल होता तो आज आप हर छह महीने के बाद अपनी बॉडी की भी सर्विसिंग कर रहे हो। लेकिन जिस दिन से मेरे पास ये मैनुअल आया मैंने करनी शुरू कर दी। डिटॉक्स योर बॉडी, बॉडी में 2.5 किलो से लेके 5 किलो वेस्ट आपके स्टमक में हर वक्त रहती है, उसको क्लीन कीजिए, नहीं तो वो धीरे धीरे स्टॉपबॉर्न हो जाएगी, उसके बाद आपका और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बंद होगा और धीरे धीरे वो कॉन्स्टिपेशन बन जाएगी। कॉन्स्टिपेशन के बाद अगला स्टेप डॉक्टर क्या होता है? कॉलन कैंसर। आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर, इसलिए रेडी है, दिस इज स्मार्ट, क्योंकि सर्विस के लिए रेडी है। ठीक है, तो सर्विस कीजिए, एक महीने का कोर्स है, 6 महीने के बाद रिपीट करना है, हर 6 महीने के बाद। ये मत पूछिएगा कि एक बार 6 महीने के बाद कर लिया फिर ठीक है, बल्ले बल्ले सारी जिंदगी। मोटरसाइकिल भी एक बार सर्विस करा लो फिर लोड ही नहीं है, जब रोक लेगा रास्ते में देखी जाएगी। ठीक है, C3 कुरकुमिन। जब हम छोटे थे तो हर बात में कोई चोट लगती थी या गिर गए चोट ऊपर से नहीं नजर आ रही तो मदर क्या करते थे, दूध में हल्दी मिला के खिला दो। होता था किसी और के साथ हुआ है था? चोट लगी सरसों का तेल डाल के उसमें हल्दी डाल के फटाफट से आयुर्वेदा बहुत अच्छी चीज है। हम आयुर्वेदा के सराउंडिंग घूमते हैं लेकिन ये मॉडर्न आयुर्वेदा है। इसमें क्या खासियत है कि जो चीजें आयुर्वेदा में स्टैंडलाइज नहीं थी आपको स्टैंडलाइज करके दे दी। हल्दी में सबसे ज्यादा काम करने वाली चीज क्या है? कुरकुमिन। उसको निकाल लिया और उसको स्टैंडर्डाइज 525 mg की टैबलेट बना के आपको दे दी। अब आप क्या करेंगे? अगर 4 लोगों को देंगे तो 4ों को 525 mg की टैबलेट जा रही है। लेकिन पहले क्या होता था, 2 चम्मच हल्दी खा लो तुम ठीक हो जाओगे। 4 लोगों को बोल दिया, 4ों ने खा ली लेकिन 1 को रिजल्ट आया, 3 को नहीं आया, या 2 को आया 2 को नहीं आया। रीजन, क्योंकि उसमें कुरकुमिन के कंटेंट्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हल्दी बाजार से किस क्वालिटी की मिली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो रिजल्ट वेरी करते हैं। दिस इज अ वंडर प्रोडक्ट। हमने कैंसर में इससे रिजल्ट लिए हैं। कोई है जो कहता है कैंसर ठीक नहीं होती? एनीबॉडी हियर? कैंसर ठीक होती है, हम लोग रिजल्ट ले चुके हैं, मेरे पास टेस्टिमनीज पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। 3rd स्टेज तक का कैंसर हम ठीक कर चुके हैं एंड इसकी डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ है इट ट्रीट्स कैंसर, आज तक किसी ने नहीं लिखा। एक डॉक्टर मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे थे, उनके आर्ग्यूमेंट का रीजन ये था, कहते जी आज तक तो कभी कैंसर ठीक नहीं हुई। मैंने कहा फिर इससे क्या मतलब है, अभिप्राय क्या आपका, क्योंकि अगर आज तक कैंसर ठीक नहीं हुई आगे नहीं होगी? शी सेड नहीं, आज तक जो हुआ ही नहीं कैसे हो सकता है, मेरे को आप बताइए। कहते इसकी डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ है। कहते इनके लिखने से क्या है? मैं कहा डॉक्टर साहब एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप डॉक्टर हैं? कहते हाँ। मैं क्या आपके फोरफादर्स में से कौन सबसे पहले कौन डॉक्टर है? कहते नहीं, इस खानदान में मैं पहली डॉक्टर हूं। मैं क्या कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैसे बन गई आपको? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके खानदान में पहले कभी डॉक्टर बना ही नहीं, आप कैसे बन गई? कहते आप तो और तरफ लगे। मैं क्या लेके तो उधर आप गई थी, मैं तो पीछे पीछे आया। चुप। टुडे शी इज यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, उनकी बेटी को कैंसर है और वो यूज कर रहे हैं। देन लीन गार्ड, जिन्होंने मुझे पहले देखा है ऐसा नहीं था मैं। ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसमें 2 आ गए, एक हमारा प्रोटीन ड्रिंक आ गया और एक ये लीन गार्ड के नाम से,
दोनों में आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये 2 से 2.5% वेट मंथली लूज करवाएगा और दुनिया का नंबर वन प्रोडक्ट है ये, मैं नहीं कह रहा हूं, यूएस में इसको बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है और सेकंड थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड मिला है। थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड मिलता है जिस प्रोडक्ट जितने दिस प्रोडक्ट इज विनर ऑफ दैट। तो एक ये है, साथ में जो हमारा प्रोटीन ड्रिंक है, मैं बीच में ही बता देता हूं आपको क्योंकि इस बुक में प्रिंट नहीं है। प्रोटीन ड्रिंक में आप 3 तरह से उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वेट लॉस में, वेट मेंटेनेंस में और वेट गेन में। उसकी एक सर्विंग विद एनर्जी के लिए अगर आपने लेनी है, सिर्फ कि वेट आपका ठीक है, आप मेंटेन्ड है, तो सिर्फ एनर्जी के लिए लेनी है, पानी में अपने खाने के साथ घोल के एक पी लीजिए, जस्ट पानी में शेक बना के। वेट लॉस करना है तो 2 मील स्किप कीजिए, उनकी जगह 2 सर्विंग उसकी लीजिए पानी में। और पानी में भी आप लोगों को स्वाद बहुत आएगा। अगर आप शुगर पसंद करते हैं तो थोड़ी सी डाल लीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर आप बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं तो डोंट ऐड एनी शुगर इनटू दैट। और अगर आपने वेट गेन करना है, खाना पीना खाइए उसके साथ दोनों टाइम दूध में डाल के वो ले लीजिए एक सर्विंग, यू विल गेन वेट। पर मैं लास्ट वाली चीज जो है वेट गेन की, मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता, मैं कहता हूं मत कीजिए, ये अपने आप ही गेन हो जाएगा किसी का। फिर आप सोचते रहोगे इसको मैनेज कैसे करूं, कम कैसे करूं। यू आर वेरी लकी अगर आप स्लिम ट्रिम है, 0 फिगर है आपकी। एंटीऑक्सीडेंट, आज हमारे सराउंडिंग में मैक्सिमम पोल्यूशन है, मानते हैं आप, तो उस पोल्यूशन से बचने के लिए, पोल्यूशन के थ्रू हमारे अंदर जब हम सांस लेते हैं तो वो पोल्यूशन जाता है हमारी बॉडी में, फ्री रेडिकल होती है, फ्री रेडिकल धीरे धीरे हमें लीड करती हैं एक सिंड्रोम बनके कैंसर की तरफ। तो आज कैंसर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है डे बाई डे, ओनली बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये पॉल्यूशन जो हमारे सराउंडिंग है, जो पानी हम पी रहे हैं गलत, जो खाना पीना हमारा गलत है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे जितना मैक्सिमम हो रहा है, ये सारी चीजें एक पैकेज बनके हमें मिल गई काहे के लिए, कैंसर के लिए। तो कैंसर बढ़ती जा रही है, टेक केयर। जो लोग इसको लेंगे, एक कैप्सूल अगर रोज का लेते हैं तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल नहीं होगी, अगर 19-21 हो गई है तो उसको भी ये निकाल देगा। कोक्यू एनर्जाइजर, कोएंजाइम Q10, हमारी बॉडी इसको मैक्सिमम ऑप्टिमम प्रोडक्शन इसकी करती है 22-23 साल 24 साल तक, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है 40 के बाद। अब देखिए, जो 24 साल की उम्र में किसी का फेस, यहां पे कोई 24 साल के हैं, आप 24 साल के हैं, कभी होंगे जरा 40 साल के, कोई 50 साल के, मैं हूं 50 का, मेरी और इनकी स्किन एक जैसी लगती है आपको, फर्क है, क्या फर्क है प्लीज। इस एज में इनकी बॉडी में जो कोएंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब बन रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन प्रॉपर है, लेकिन 24-25 के बाद इनकी बॉडी में उनकी धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी और 40 के बाद तो बहुत कम रह जाती है, झुर्रियां आने लगती हैं। तो आपका हार्ट किस चीज का बना हुआ है, सेल्स का, ये सेल की खुराक है। कोएंजाइम्स जो है सेल को, सेल में जाके काम करते हैं। अगर आपका सेल हेल्दी है तो आपकी एंटायर बॉडी हेल्दी है, अगर एंटायर बॉडी हेल्दी चाहिए तो हमारे को हमारा हार्ट भी हेल्दी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट एक एक सेल में जाके अपना काम करता है, आपको ये सपोर्ट करता है। 35-40 साल के बाद इसको सप्लीमेंट करना जरूरी है, सो टेक केयर, इसको कीजिए, आपको फर्क पता लगेगा, रिजल्ट आएंगे, आपकी बॉडी बताएगी कि हाँ 95% हमारी बॉडी की एनर्जी का रिस्पॉन्सिबल कोएंजाइम Q10 है, जो कि हम आपको एक कैप्सूल की फॉर्म में दे रहे हैं। आप बिलीव करेंगे, जिस साइंटिस्ट ने इस चीज को ढूंढा था, एडवेंचर किया था, उसको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला।
तो ये नोबेल प्राइज विनिंग प्रोडक्ट है, हालांकि हमारी ये वो नहीं है खोज, लेकिन जिसने भी की थी उनको ये नोबेल प्राइज मिला है। ये हो गया प्रोडक्ट्स की बात।